नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। मिथुन राशि वालों, 20 जून से बन रहा है उभयचरी राजयोग और साथ ही वेशी नामक राजयोग, वासी नामक राजयोग भी बन रहा है। जब भी ब्रह्मांड में सूर्य से ये राजयोग बनते हैं उभयचरी, तब वेशी और वासी भी बनते हैं। आपके जीवन को ये तीन तीन राजयोग पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब ये राजयोग बनता कैसे है दोस्तों? 20 जून की रात से सूर्य के एक तरफ शुक्रदेव पावरफुल अवस्था में आकर विराजमान होंगे और दूसरी तरफ बुधदेव विराजमान हो जाएंगे। यानी सूर्य के एक साइड वाले खाने में बुध, दूसरे साइड वाले खाने में शुक्रदेव, और शुक्र के जब अगल बगल वाले खाने में शुभ ग्रह विराजमान होते हैं, सूर्य पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तब बनती है उभयचरी राजयोग, वेशी नामक राजयोग और वासी नामक राजयोग। दोस्तों, सूर्य बहुत ही इसमें शक्तिशाली पावरफुल अवस्था में है, तो आपकी प्राण शक्ति भी मजबूत होगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। धन तो आएगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और सूर्य के दोनों तरफ जब शुभ ग्रह आ जाते हैं तब सूर्य को बल मिलता है। आपको तो पता ही है, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग में पैसा बहुत आता है लेकिन स्वास्थ्य समस्या आता है। पर ये जो उभयचरी राजयोग बन रहा है, वेशी और वासी नामक राजयोग बन रहा है, इसमें धन भी आता है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। और शुक्र बहुत पावरफुल अवस्था में बैठकर आप मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कार करेंगे। आपके स्वास्थ्य भाव में बैठे हुए हैं सूर्यदेव और दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी धन भी आएगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, और अगर आपको हार्ट संबंधी कोई परेशानी थी तो उसमें भी रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। आप हॉस्पिटल में हैं तो घर जा सकते हैं, और इस समय आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी तरक्की होगी। जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपका नाम और यश भी बढ़ेगा। और ये राजयोग बन रहा है 20 जून की रात यानी 21 जून से लेकर 28 जून तक। 28 जून को जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे तब तक ये राजयोग बना रहेगा और इसके बेनिफिट आपको लेने हैं। कहते हैं हमारे ज्योतिष में, अगर उभयचरी राजयोग बनता है तब आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो, आप उससे बाहर निकल ही आते हैं। और इस योग की वजह से आप इस समय सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आपका प्रमोशन हो सकता है, बड़े पदों तक आप पहुँच सकते हैं। कहते हैं अगर राजयोग बन जाए तब इस राजयोग को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जागृत कैसे करेंगे? अभी 8 दिनों तक रोज़ पहला आहार के रूप में गुड़ ग्रहण करें और संडे के दिन, रविवार के दिन नमक, सरसों तेल और अदरक, लहसुन प्याज, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अभी एक ही संडे आपको परहेज करना है। अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है तब तो लाइफ टाइम आपको ऐसा करना चाहिए ताकि इसके बेनिफिट आपको मिलते रहें। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ रविवार के दिन आप ये काम मत कीजिएगा, आपको इसके बेनिफिट 100% मिलेंगे। और इन 8 दिनों तक लाल रंग का रुमाल या लाल बॉर्डर वाली रुमाल आप अपने पास रखें, इससे इस राजयोग को बल मिलेगा और आपके जीवन को चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ओवरऑल कहें तो ये जो सूर्य हैं ये मजबूत हो रहे हैं, इनका पावर बढ़ जाएगा, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमने कहा, मिथुन राशि वालों को ये राजयोग धन भी देगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति भी दिलाएगा। तो दोस्तों, आपको ये राजयोग मुबारक। अगर आपको इस राजयोग के कारण जीवन में लाभ दिखते हैं तब हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।